तकलीफ हो रही है आपको? मेरे मान में गर्दन में इतना दर्द होता है, इधर से इतना तक, पूरे हाथ तक इधर तक। दर्द कैसा होता है, मूंगी जैसा या खिंचाव? हाँ, मूंगी थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन ज्यादा दर्द इतना इधर से तक करता है। अच्छा, सर ऊपर लीजिए, हाथ नीचे, नीचे ऊपर नीचे, अभी दर्द हो रहा है? हाँ थोड़ा इधर। अच्छा, बाजू में सर घुमाइए, बाजू में थोड़ा इधर होता है। अच्छा, सर को अभी बाजू में घुमाना है, ये बाजू में, अभी दर्द हो रहा है ये बाजू में? सर के मूवमेंट करने में तकलीफ होती है? हाँ थोड़ा थोड़ा इधर, पैर को भी आते इतना ही यहाँ से कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी स्पाइन होता है ना, वहाँ के यहाँ की गादी होती है जो बीच में, जिसे हम डिस्क बोलते हैं, जेली मटेरियल होता है जो दो हड्डियों की स्पाइन के बीच में होती है, वो अपनी जगह से हिल जाती है। हिलने के वजह से जो उसके बाजू से नर्व निकल रहे होते हैं वो दब जाते हैं, जिसे हम नर्व इंट्रैपमेंट बोलते हैं। वो दबने के वजह से जो नर्वें पेरिफेरल यानी कि बाहर हिस्सों में जो जा रहा है दोनों हाथों में, इसलिए आपको वहाँ पे मूंगी आती है। है थोड़ा है, लेकिन ये बाजू ज्यादा है, ये बाजू हाँ थोड़ा। हाँ डॉक्टर, हाँ उधर ज्यादा है, उधर हाँ उधर कम है, दुखता है लेकिन कम है, ये बाजू ज्यादा है। पेशेंट, इन्होंने अपना दर्द C3 लेवल पे बताया, जो कि यहाँ पे C5 लेवल पे बताया, C6 एंड C7, दैट इज मल्टी लेवल पे डिस्क बल्जिंग है, जिसके वजह से उनको यहाँ से पेन हो रहा है और वो बाजू के नर्व से एक तरफ पे रेडिएट हो रहा है।